नमस्कार भैया, और हम हैं ईटीएम बुंदेलखंड के गौरव ओपी रावत जी के पास। ओपी रावत जी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे पूरे हिंदुस्तान के, और कल जब लोकसभा चुनाव को परिणाम आ रहा, पूरे देश में चुनाव आयोग पे नज़र है, ईवीएम पे नज़र है, ऐसे समय में ओपी रावत जी को मार्गदर्शन मिले और कोशिश करें कि बुंदेली भाषा में मिले। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली बोचार में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आज के माहौल की अगर बात करें, कि सवाल जो है कि ईवीएम गड़बड़ तो नहीं हो जाए, कहीं पूरे देश की मतदाताओं ने अपना जो वोट डाले उनको गड़बड़ी तो नहीं हो जाए? ईवीएम में गड़बड़ी की कतई संभावना नहीं है, कभी नहीं हो सकती। ये ईवीएम एक स्टेटस पेपर भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, उनको देख लें तो हो जाएगा पता कि इसमें कुछ भी करना संभव नहीं है। लेकिन बात जब कही जा रही है कि भाई ईवीएम की हैकिंग की बात तमाम जगह कही जा रही है कि जियो का नेटवर्क नहीं लगाओ, दूसरी बात कई जगह जो खाली ईवीएम मिल रहे हैं, इस पर बहुत सवाल है, इसको थोड़ा सा आप क्लियरिफाई कि आखिर जी हर जगह चुनाव के बाद खाली ईवीएम काय मिल रही? ये खाली ईवीएम की जो अफवाह फैलाई गई है उसमें अभी दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक जौनपुर में गिरफ्तार हुआ है, एक आजमगढ़ में, ये मैंने अभी न्यूज़ में सुना है। तो ये क्या है, ये अनावश्यक रूप से विघ्न संतोषी तत्व जो है कन्फ्यूजन फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं कहा जा सकता। बाकी किसी भी तरह की कोई शिकायत हो जिसमें तथ्य हो, जिसमें कोई एविडेंस हो, तो इलेक्शन कमीशन उसके बारे में पूरी पूरी जांच कराए और उसके पूरे तथ्य जो है पब्लिक, आम पब्लिक के सामने रखे, जिससे लोगों का विश्वास उसमें बना रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जी को लेकर आज चुनाव आयोग ने विपक्ष की जो मांग थी वो खारिज कर दी, कि अगर कोई एक भी एक दो तीन रैंडम अगर वीवीपैट की मशीन और उसमें मैचिंग में कोई गड़बड़ी है तो पूरी विधानसभा की मैचिंग कराई। इसमें दिक्कत का है और काय आखिरकार इस पर कुछ चुनाव आयोग सहमत नहीं हो पा रहा? इसमें क्या है कि जो कानून बना हुआ है, संसद ने जो कानून बनाया है, जब विपक्षी पार्टी राज्य कर रहे थे तब कानून बना हुआ था, वही कानून अभी भी लागू है। उसमें ये बंदिश है कि जो भी मिसमैच आएगा उसमें वीवीपैट स्लिप काउंट जो है वो प्रिवेल करेगा, वही फाइनल माना जाएगा। उसमें ये प्रावधान नहीं रखा गया है कि अगर एक वोट का भी अंतर पता लगे किसी एक पोलिंग स्टेशन में भी, तो भी 100% काउंटिंग कराई जाए वीवीपैट स्लिप की। अगर उसमें कानून में लिखा होता तो कमीशन को कोई दिक्कत ही नहीं थी कराने की। अब कानून में लिखा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार ही नहीं है कि वो कानून के परे जाकर कुछ करे, नहीं तो इलेक्शन अनल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा कोर्ट में। तो ऐसे में इस तरह की बात कहना ही उचित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में तमाम तरीके के सवाल आए, खास तौर से जैसे अमित शाह जी के खिलाफ जब कोई शिकायत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई शिकायत हुई तो उसको क्लीन चिट की बात आई। दूसरी तरफ ये भी सवाल आई कि जो चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त तो उसमें असहमत हैं, उनकी बात नहीं पूरी रखी गई। इसको लेके आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं चुनाव की जो प्रक्रिया उसमें थोड़ा बहुत संदेह तो भाव? ये ज़रूर मुझे लगा है कि जो शुरू में आदर्श आचार संहिता की शिकायतें आईं उनके निष्पादन में, उनके डिस्पोजल में देरी हुई, उस देरी से आम आदमी के मन में थोड़ा सा एडवर्स इम्प्रेशन हुआ। जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि आप जल्दी निर्णय लो, तो इससे ऐसा लगा कि चुनाव आयोग जो है वो तत्परता नहीं बरत रहा है, और वो एडवर्स इम्प्रेशन जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ गया। वो अगर नहीं होता तो किसी भी तरह की और कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठे कि भाई एक पार्टी विशेष के लिए या सत्ताधारी दल के लिए जो पूरा काम हो, तो निष्पक्षता को बनाए रखने के लाने लोगों को याद आई कि भैया रावत जी को कार्यकाल हतो या टी एन सेशन साहब को कार्यकाल हतो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आई। अब वो विपक्ष हवा बनाने में कामयाब होगा या अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में थोड़ा बहुत संकल्प आपको लग रहा हो क्या? यही लग रहा कि जो विलम्ब किया या जो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती, उससे आम जनता के मन में जो एडवर्स इम्प्रेशन आया वो इलेक्शन कमीशन के विपरीत गया है, और जिसे अवॉइड किया जा सकता था, जिसे दूर किया जा सकता था। एक और बात अब आ रही कि जैसे कही जा रही कि वीवीपैट मशीनों से लेकर तुलना, मतलब चूँकि काउंटिंग होने देर में हो सकता निर्णय आए, एक दिन लग जाए, दो दिन भी लग सकता, ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या ऐसी कोई कुछ खास सावधानी बरतने की जरूरत है? ऐसी पूरी सावधानी भारत निर्वाचन आयोग बरत रहा है, और एक दो दिन की बात नहीं होगी इसमें, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन तो पहले ही गिना जाता था वीवीपैट स्लिप, जिसमें 1.5 घंटा अतिरिक्त लगता था। अब अगर स्पेस की कमी है और वहाँ एक ही कियोस्क में पाँचों गिनने हैं तो 4-5 घंटे की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा की देरी नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि सारी व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं कमीशन के द्वारा, और चुनाव परिणाम आने में
इतना अधिक विलंब नहीं होगा कि दो दिन लग जाएंगे। एक और बात आ रही, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चुनाव कई बात को लेकर बधाई तो दई के कहीं ना कहीं बढ़िया चुनाव कराओ, लेकिन उन्होंने एक अपनी तरफ से मंशा भी जाहिर करी कि चुनाव आयोग संतुष्ट करे जनता को कि भैया उसका मत सुरक्षित है, सही जगह। ई को लेकर और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चूक हो गई या और अब भी कम से कम करी जा सकत? वही ज़रूरी है कि इतना बड़ा चुनाव जहाँ 90 करोड़ वोटर हैं, 10 लाख पोलिंग स्टेशन हैं, हिमालय से लेकर रेगिस्तान और समुद्र के तटीय इलाकों तक वोटिंग कराई जाती है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तरह से पोलिंग करा के कर ली है, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और पूर्व राष्ट्रपति ने जो बधाई उन्हें दी है वो बिल्कुल सही है। यह भी कहना सही है कि ये चुनाव आयोग का ही दायित्व तो है कि आम आदमी और सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी उम्मीदवारों के विश्वास पूरी प्रक्रिया में बना रहे, ये भी दायित्व तो चुनाव आयोग का ही है। इसलिए अगर कहीं भी उनके मन में शंका किसी भी तरह का संदेह है तो उसके बारे में पूरी जांच करके पूरे तथ्य उनके सामने लाना चाहिए और पब्लिक डोमेन में भी लाना चाहिए, जिससे कि वो शंका का समाधान अच्छी तरह से हो जाए। तो ये थे ओपी रावत जी, जिनको साफ तौर पे कह वो है कि चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ी बहुत कमियां भले ही रह गई हों कोनो मौका पे, लेकिन चुनाव आयोग ने बेहतर तरीके से इतने बड़े चुनाव को संचालन करे है और यही वजह से अब जो भी चुनाव के परिणाम आए वो सारे दल स्वीकार करें। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला Level 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।